तो बात ऐसी है कि कहने को सभी भाई कह देते हैं जी यहाँ लाइट लग जाती है, एलईडी लाइट लग जाती है, लेकिन वो लगती कैसी है जी? ये हमारे सामने आ गई, हमने भाई से रिक्वेस्ट करके कही है कि ये हमें दिखाओ जी इस तरह की लाइट, ये यहाँ पर दोनों साइड लग जाती है, लेकिन इस जाली को दोनों साइड जाली निकाल के यहाँ हम फिट करा सकते हैं। ये 2700 रुपये में हमें मिल जाती है, ठीक है जी। इसकी टर्निंग रेडियस चेक करते हैं एक बार। तो जी एक बार इसकी पहले से काफ़ी जो इसमें फ़र्क आवाज़ में आ गया जी। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है जी आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज आपके सामने है स्वराज 855। दोस्तों ये ट्रैक्टर की वीडियो मैं पहले कम से कम भी दो बना चुका और एक 744 की बना चुका, 4 स्टार 5 स्टार की भी। लेकिन इस ट्रैक्टर में जितने भी मॉडल हैं सब मॉडल आपको दिखाने मेरी जिम्मेवारी हो जाती है। दोस्तों अब मैं आपको इस ट्रैक्टर का एक और मॉडल दिखाता हूँ जो कि 16/9/28 के टायर में और आगे जो इसके टायर हैं दोस्तों 9/5/24 के हैं। और इस ट्रैक्टर की और पहले वाले ट्रैक्टर में जो फ़र्क है मैं साथ के साथ आपको वो भी बताता चलूँगा। अब दोस्तों बात ऐसी है कि इस ट्रैक्टर में जो फ्रंट एक्सल है इसका, इसमें क्रॉस है जी, इसमें करारों का गियर आता है, यहाँ पर क्रॉस सिस्टम है जी इस तरह का इसका बना हुआ। जो हमने पहले देखा था वो बैवल गियर वाला था, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ठीक है जी। अब इसकी अगर हम बात करें पावर स्टीयरिंग की, तो उसमें सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग था, इसमें है डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग। ये दो बदलाव इसमें तो फ्रंट में ही आ जाते हैं। अगर बात करें इंजन की, तो इंजन बिल्कुल सेम है उसमें भी और इसमें भी। इसमें लेकिन जो सबसे बड़ा फ़र्क आया था दोस्तों वो यहाँ आया था, हाई लो मीडियम वाला, लो मीडियम हाई 15 स्पीड इस ट्रैक्टर में आती है, रिवर्स पीटीओ और स्वराज 855 एफई 1974 का लोगो, यहाँ पर हमारे को 5 स्टार का लोगो और इसमें 4x4 का MI। अब मैं दोस्तों आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मेरे को एक दिन एक भाई का कमेंट आया था कि इसमें 744 में और इसमें अगर जो पहले लिखे आते थे वो जो जैसे RI वगैरह, ये क्या चीज़ है? असल में पहले RI आता था रेगुलर इंजन, और यहाँ पर सिर्फ आई है, जैसे आप ये समझ लो जी सिर्फ आई लिखा है इसमें, सिर्फ IPTO इंडिपेंडेंट क्लच जो है वो आ गया। और MI का जो मतलब है दोस्तों वो ये है कि इसमें मल्टी स्पीड जो है PTO, ठीक है जी। आई का मतलब आई इंडिपेंडेंट क्लच आ गया और मल्टी स्पीड PTO, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे इसके जो ऊपर का बदलाव है, लेकिन मैं आपको एक बार सलेंसर वगैरह दिखा दूँ इसको, इसका सलेंसर जो है वो काफ़ी बदलाव है पहले से। जो इसकी थोड़ी बहुत अगर मैं आवाज़ में बदलाव की बात करूँ तो वो सलेंसर की वजह से ही है। इसके ऊपर काफ़ी बढ़िया एक जाली दे दी गई है, आपका हाथ वगैरह अगर लग जाए तो हाथ जले ना, ये चीज़ आ जाती है। और इंडिकेटर में भी काफ़ी बड़ा बदलाव जो है, LED इंडिकेटर इसमें आ जाते हैं। और साइड में अगर मैं बात करूँ तो एक पट्टी सी जैसी बनी हुई है। अब चलते हैं ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के देखते हैं ऊपर से जो है हमें किस तरह का बदलाव ट्रैक्टर में मिल जाता है। सबसे बड़ा बदलाव दोस्तों जो मैंने आपको दिखा दिया कि स्पीड इसमें ज़्यादा है और 6 साल की वारंटी कंपनी ने देख के दे दी, यहाँ पर आपको 6 साल की वारंटी मिलेगी इस ट्रैक्टर में। अब इस ट्रैक्टर का दोस्तों हम बात करें अगर 4x4 का लीवर, तो वो यहाँ मिल जाता है, ऑयल मस्ट ब्रेक आ जाती है तेल में डूबी हुई। और अगर हम बात करें PTO की, तो ग्राउंड PTO इस ट्रैक्टर में मिल जाती है और 540 मिल जाती है, ठीक है जी। और हाई मीडियम लो वाला लीवर यहाँ आ जाता है जी, IPTO क्लच यहाँ आ जाता है। ऊपर बैठ के देखते हैं, और डबल क्लच, प्रॉपर डबल क्लच है जी, 12 इंच की क्लच प्लेट इस ट्रैक्टर में हमें मिल जाती है, वाटर सेपरेटर के साथ आ जाता है। ऊपर चढ़ने के लिए सिंगल फोटो स्टेप आ जाता है। और अगर हम प्लेटफार्म की बात करें तो वो बराबर ही है जी, इसके साइड गियर और सेंटर गियर का प्लेटफार्म बिल्कुल बराबर है, ये नहीं कह सकते इसमें फ्लैट है, फ्लैट नहीं है इसमें। ऊपर का लुक चेक कर लो जी, इसमें डिलक्स सीट जो पहले से बड़ी आ गई है, जो पहले मॉडल में आती थी 5 स्टार में वो वाली। ऊपर का व्यू दोस्तों ट्रैक्टर का कुछ इस तरह का हमें मिल जाता है जी, इस तरह के हमें मीटर मिल जाते हैं। सेंटर में आ जाते हैं RPM मीटर, राइट साइड में आ जाता है डीजल का मीटर, और टेम्परेचर का मीटर लेफ्ट में आ जाता है, ठीक है जी। अब दोस्तों ऊपर का लुक जो इस ट्रैक्टर का इस तरह का आया था। इस ट्रैक्टर में दोस्तों एक बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप चाहो तो इसमें ड्राई एयर क्लीनर भी मिल जाएगा, कंपनी का दावा, लेकिन अभी तक मैंने देखा नहीं है। और साइड में एक शीशा आ जाता है जी पीछे देखने के लिए, हाथ वाली रेस आ जाती है यहाँ पर। दोस्तों इसमें जो स्विच हैं इंडिकेटर या लाइट्स को सब एक में ही कर दिए, मतलब एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। हॉर्न यहाँ आता है छोटा सा, कॉम्पैक्ट साइज़ का इसमें जो है वो मिल जाता है। स्टेयरिंग बहुत बढ़िया छोटा सा स्टेयरिंग मिल जाता है। यहाँ पर फुटरेस्ट आ जाते हैं कंपनी की तरफ से आ जाते हैं, बैटरी बाहर आ जाती है इसमें दोस्तों, लगभग 90 एम्पेयर की बैटरी मिल जाती है। क्लच बहुत ही मुलायम है क्योंकि क्लच दो हैं अलग अलग, एक क्लच ही आ जाता है दोस्तों। ये आ जाता है इसका जो लीवर है, हाई मीडियम लो। दोस्तों इसमें एक ना अलग तरह का लीवर है, एक ही तरफ चलता है जी, आगे पीछे काम करता है, पहले हाई फिर न्यूट्रल फिर मीडियम फिर न्यूट्रल फिर लो आ जाता है, मतलब इधर उधर करने वाला नहीं है, ये एक लाइन में चलते हैं जी।
अब आ जाते हैं राइट साइड में, जैसे इसमें इस तरह का जो आगे इस तरह का, लेकिन उसमें सब एक ही लाइन में। यहाँ दोस्तों बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा रिवर्स इधर आ जाते हैं। तो आप ये मान लो जी इधर कि पाँच इधर हैं और तीन इधर हैं, पाँच या पंद्रह गियर वाला ट्रैक्टर हमें ये मिल जाता है। अब दोस्तों अगर हम देखें इस तरफ डीसी लीवर, पीसी लीवर वही उसी तरह पहले के जैसे ही है। यहाँ एक बॉक्स मिल जाता है हमें, यहाँ हम अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं और इसमें फ़ोन रख भी सकते हैं। अगर हम बात करें अपने जो ऑब्जरी वाल लगे हैं हमारे पीछे, उसका जो लीवर है वो यहाँ आ जाता है। अब दोस्तों इस ट्रैक्टर में अगर हम बात करें गियर बॉक्स की, तो दोस्तों इस ट्रैक्टर में कंबाइंड गियर बॉक्स मिल जाता है जी। अब दोस्तों अगर हम बात करें इसकी लिफ्ट की सेटिंग वगैरह, जो स्पीड कम या ज़्यादा करने वाला लीवर, वो ये आ जाता है। और ये आ गया जी, इसका मैकेनिज्म जो है वो इस तरह का बना जी, जैसे कि जॉन डियर में भी आता है, कईयों का ऊपर ही फिट होता है, ये अलग से ऐसे बनाया गया है। अब दोस्तों बात आती है जी इसके इंजन की, इंजन में जो बड़े बदलाव है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जी, यहाँ से जो सप्लाई है पंप से जाती है ऑयल की, यहाँ से वो ऊपर टैपट में भी चली गई, टैपट में चली गई ऊपर, और यहाँ से एक पाइप उस तरफ जाती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्या रहता है दोस्तों, इसमें जो ऑयल है, इंजन वाला ऑयल जो है, जो टैपट में जाता है ऊपर, वही ऑयल यहाँ भी आता है पंप में। पहले पंप में अलग ऑयल डालना पड़ता था, लेकिन अब सप्लाई पंप में, इसमें इनलाइन पंप है बॉश का, तीन सिलेंडर इंजन है, इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है ऑयल की, अब पहले होती थी। एक बदलाव ये आ गया, एक बदलाव दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इंजन की, जो अपना जो बड़ा कर दिया इंजन, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार खोल लेते हैं इसको, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ से ये उठ जाता है और सिंगल इसमें हमें शॉकर मिल जाता है और आगे से बिल्कुल प्लेन है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसके इंजन की। दोस्तों आप यहाँ चेक कर सकते हो, इंजन पहले से बड़ा देखने में भी लग रहा है, लेकिन ये बड़ा है भी। इसमें तीनों हेड जो हैं वो अलग अलग मिल जाते हैं, इन केस आगे जाके दिक्कत आ जाए अगर आपको, तो आप एक हेड खोल के अपना स्लीप पिस्टन वगैरह का जो काम है वो कर सकते हो। अब हम दोस्तों इधर से देखते हैं, इसमें हमें यहाँ पर जो पावर स्टीयरिंग कॉयल अलग मिल जाता है, कूलेंट बॉक्स आया था अलग। दोस्तों इस ट्रैक्टर में अगर हम बात करें पावर की, तो पहले से कहीं ज़्यादा पावर इसमें बढ़ गई। इसमें जो ब्लॉक है वो ब्लॉक चेंज कर दिया, जिससे क्या होता जी, दोस्तों मेरे को एक भाई का कल कमेंट आया था कि सीसी क्या है जी। मैं आपको बार बार बताता हूँ दोस्तों कि सीसी होती है क्यूबिक कैपेसिटी होती है, जो कि जितनी जगह पर पिस्टन मूव करता जी, इसका ब्लॉक बड़ा कर दिया ये चीज़। जितना ज़्यादा पिस्टन ऊपर नीचे होता है जी, उतनी पावर ज़्यादा होती है इसकी। पहले होती थी 3308, अब 3478 सीसी का इंजन इसमें लग गया, जो कि पहले 744 में भी आया करता था, और उसमें अपना जो ट्रैक्टर है 963 स्वराज 963 वाला ब्लॉक इसमें लग गया। इसका ब्लॉक जो है पहले से बड़ा कर दिया, इसलिए इसकी पावर बढ़ गई है। 55 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है, 2000 रेटेड RPM है, और इसमें 205 Nm का लगभग टॉर्क हमें मिल जाता है। और दोस्तों इसमें हमें जो सीसी है वो मिलती है 3478 CC, ठीक है जी। इस तरह का इंजन हमें मिल जाता है दोस्तों। ये इंजन स्वराज में लगभग शुरू से नेचुरली एक्सपेक्टेड इंजन जो हमारे को 855 में मिल जाता है, जो कि नॉन टर्बो इंजन होता है जी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जी, बिल्कुल प्लेन है, सपाट है बिल्कुल। यहाँ पर कोई हमें टर्बो नहीं, कोई EGR वाल नहीं, बिल्कुल प्लेन इंजन हमें इस ट्रैक्टर में मिल जाता है दोस्तों। यहाँ तक कि अच्छा ट्रैक्टर है, मतलब बहुत बढ़िया इंजन है, नेचुरल सिंपल इंजन है बिल्कुल। इसमें ये नहीं है कि मतलब हमें EGR वाल वगैरह, दोस्तों टर्बो की ज़रूरत मेरे ख्याल से तो ट्रैक्टर में इतनी होती भी नहीं है, जैसे हमारे कई भाई कहते हैं टर्बो होना चाहिए। मेरे ख्याल से कोई ट्रैक्टर में कोई टॉर्क वगैरह की ऐसी बात तो कोई होती नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना जी। ये है जी इसका पिछला हिस्सा ट्रैक्टर का, जो इसकी लाइट है यहाँ से ही चेंज कर दी है, और ये पिछले इंडिकेटर यहाँ से आ गए, इस तरह के हमें यहाँ पर मिल जाते हैं जी। यहाँ पर टॉप में इसका आ जाता है बॉक्स और रिफ्लेक्टर आ जाता है यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों हमें एक ट्रॉला सॉकेट भी मिल जाता है, और 3 पिन सेंसिंग आ जाती है दोस्तों। और यहाँ हमें डबल डिस्ट्रीब्यूटर वाल, और अगर हम बात करें इसकी PTO पावर की, तो लगभग 44-45 HP की PTO पावर है। मैं चेक कराता हूँ अभी, PTO के चक्कर की बात करें 540 और ग्राउंड PTO। यहाँ जैक सिस्टम इस तरह के लगे हुए हैं, और ईजी हिच अकेला बंदा हो तो यहाँ से लिफ्ट ऊपर नीचे करके ट्रॉली अपनी जोड़ सकता है। अब मैं आपको इसकी वो चेक करा दूँ जरा, प्लेट जो हमें कंपनी देती है 257 ग्राम की SFC और 33.8 kW की हमें इसमें PTO पावर मिल जाती है।
अब दोस्तों मैं आपको इसके पिछले हिस्सा एक बार दिखा देता हूँ। इसका जो दोस्तों पिछला हिस्सा है, इन बोर्ड डक्शन वाला पिछला हिस्सा मिल जाता है, इसमें हमें इसकी गरारी जो इसके अंदर ही मिल जाती है और हब वगैरह कुछ नहीं है जी। इस तरह यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल जाते हैं जो कि ग्रीस करने के लिए। दोस्तों अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के प्राइस की, तो जो डीलर का रेट है जी वो 980,000 रुपये है। आप यहाँ आकर बार्गेनिंग कर सकते हो। अगर मैं साइड लुक की बात करूँ तो इस तरह का साइड लुक हमें ट्रैक्टर का मिल जाता है। 16-9-28 के टायर पीछे और 9-5-24 के टायर इसमें आगे मिल जाते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? मेरे को काफ़ी दिन से कमेंट आ रहे थे कि भैया दिखाओ 15 स्पीड वाला ट्रैक्टर दिखाओ किस तरह का आया जी। 15 स्पीड वाला ट्रैक्टर इस तरह का आपके सामने, जिस दिन कभी मौका मिला तो चलते हुए की वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।